सो हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी 2022-2023 की जो आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो रिसेंटली अभी वैकेंसी आया है 24,369 वैकेंसी, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरने हैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप यदि इसको मिस्टेक करते हैं, गलत भरते हैं, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के सीधे आते हैं टॉपिक में। फर्स्ट देखिए, इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। ये ऑफिशियल यदि आप नोटिस रीड करते हैं तो नंबर ऑफ पेज 19 नंबर पेज पे यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस के यहाँ पे कोडेड दिए गए हैं कि आपके जो बीएसएफ के हैं कोड ए है, सीआरएसएफ के बी, सीआरपीएफ के सी। अब देखिए इसको कहाँ भरने हैं, कैसे भरने हैं, सब कुछ ए टू जेड बताने वाले हैं। चैनल पर नया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिए। सो अब देखिए, अब आपको बता दे रहे हैं, फर्स्ट इसको भी एनालिसिस कर लीजिएगा। सबसे बड़ी देखिए गलती लोग करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे एनालिसिस नहीं करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पे कि आप सभी को आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सेकेंड चीज़ देखना है, यहाँ पे वैकेंसीज देखने हैं। वैकेंसीज में जैसे बीएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 10,497, वहीं सीआरएसएफ में देखा जाए तो ओनली 100 है, और सीआरपीएफ में देखा जाए तो 8,911 है, जो कि 2021 वाले वैकेंसीज में सीआरपीएफ की वैकेंसी थी ही नहीं। सो एसएसबी में देखिए 1,284 यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाले हैं। आईटीबीटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,613 वैकेंसीज रहने वाले हैं। वहीं असम राइफल की बात करें तो 1,697 वैकेंसी रहने वाले हैं, जो कि फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं दिया गया है। आप लोग यहाँ से क्लियरली देख लीजिएगा, बहुत लोग पोस्ट प्रेफरेंस दी लेडीज इस वीडियो को देख रही हैं, जहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालती हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा आप सभी को। जो कि ये जो जो असम राइफल्स की वैकेंसीज है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। सो फीमेल यहाँ पे ध्यान दे कि उन लोगों को यहाँ पे असम राइफल्स नहीं डालने हैं, एकदम लास्ट में इसको करिएगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एसएसएफ की देख सकते हैं, यहाँ पे एसएसएफ में यहाँ पे 103 वैकेंसीज रहने वाले हैं, और एक वैकेंसी यहाँ पे है एनसीबी, जो कि 2021 वाले वैकेंसीज में ये एनसीबी नहीं ऐड हुआ था, तो इसमें 164 वैकेंसीज रहने वाले हैं। अब देखिए इसको फाइनल में कैसे इसको ऐड करने हैं, सब कुछ यहाँ बताने वाले हैं, बस आपको ये कोडेड पता होने चाहिए। सो अब देखिए आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालने हैं। आप सभी को हमने अभी बोला था कि आप लोग फर्स्ट देख लीजिए कि जो भी आपके प्रेफरेंस हैं उसमें पोस्ट प्रेफरेंस हैं उसके कोडेड क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखिए जो भी आपको वैकेंसीज रेपुटेड वैकेंसी है उनको डालना है। तो समझ लीजिए कि इस बार किसी का 64 से 65 है, और एक लोगों का यहाँ पे 45 है। और यहाँ पे सबसे जो यहाँ पे वैकेंसी सबसे बड़ी जो होती है, जो बेस्ट माना जाता है यहाँ पे एसएसएफ की, ठीक है। यदि एसएसएफ है यहाँ पे, ठीक है, आप यदि पोस्ट प्रेफरेंस में आप 65 ला रहे हैं, ठीक है, आप पोस्ट प्रेफरेंस यदि सीआरपीएफ ही डाले हैं तो आपको सीआरपीएफ ही मिलेगा, तो एसएसबी यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉरी एसएसएफ नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा, 45 वाले को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ होता है पोस्ट प्रेफरेंस में, यानी कि जो भी बेस्ट पोस्ट है उसको फर्स्ट आप लोग फिलअप करिएगा। यदि आपके नंबर अच्छे होते हैं तो आपको पोस्ट अच्छे मिलते हैं। ये समझ लीजिए कि आपको ये एक्सचेंज कभी देखने को नहीं मिलेगा यदि आप यहाँ पे लॉक कर देते हैं तो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बंदा 65 नंबर ला रहा है, दूसरा बंदा 45 नंबर ला रहा है। यदि वो फर्स्ट जो पोस्ट प्रेफरेंस में डाला है एसएसएफ, और यदि आप 65 नंबर ला कर भी यदि आप एसएसएफ ले रहे हैं, चाह रहे हैं कि ले लें, तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो फर्स्ट डाला गया है सीआरपीएफ डाला गया है, और ये जो बंदा 45 नंबर लाया है वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो लाया डाला है वो एसएसएफ डाला है, तो इसको ये मिलने वाला है, न कि आपको मिलने वाला है। तो ये आप गलती नहीं करिएगा। आपको देखिए कैसे क्या करना है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए अभी हमने बताया था कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो यदि आप यहाँ पे डाउट में हैं तो इसको पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में कौन कौन से किसके कोड हैं, तो एसएसएफ एच है, ठीक है, तो इसको साइड में देख लीजिएगा, ठीक। अब इसको देखिए फिलअप करने हैं आपको। अब इसमें एसएसएफ में क्या है, एच है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है, यदि आपको सही लगता है तो एनसीबी देखिए भी इस बार जो पोस्ट है न्यू है पोस्ट, जो कि 2021 में नहीं आया था, तो इसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये जी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सफ़ेद दिखा रहा है, तो ऐसे में आप इसको भी डाल सकते हैं जी, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपको सही लगता है कि असम राइफल्स हम कर लें, तो आप इसको नेक्स्ट में असम राइफल्स
इसको कर सकते हैं एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका, यदि आपको लगता है कि हम इससे भी आप कटअप में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं जैसे कि जो भी आपको सही लगे। ठीक है, तो बी बी पे देखिए है सियासोफ, एंड जो आपका रहने वाला है उसके बाद यदि आप करना चाह रहे हैं तो ITBP, सॉरी ये जो आपका है इसमें ये भी नेक्स्ट वाले में रहेगा। ठीक है, और जब नेक्स्ट आप यदि करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट में आप को जो भी आपको पोस्ट सही लगता है तो आप उसके अनुसार यहाँ पे ई भी कर सकते हैं। अब देखिए ई पे क्या है, तो ई पे आपके ITBP हैं। ऐसे ही आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अब जो देखिए यहाँ पे आपको यदि ऐसा लगता है कि BSF चाहिए तो आप BSF डाल सकते हैं यदि इन लोगों के न मिलने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद यदि नहीं मिलता है तो कौन सा मिले, तो आप यहाँ पे डी डाल सकते हैं, डी पे आपका SSB है। तो ऐसे ही आप इसको फिलअप करते जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आप यहाँ पे कंफर्म आपको बताना है, तो कंफर्म वाला आप इसको क्या करिएगा, अब देखिए जो आप लोग यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट यहाँ पे डाले हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म करने हैं, वेरीफाई करने हैं। तो जो चीज़ आप लोग यहाँ पे डाले हैं इसको यहाँ पे रिपीट यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, सो आपका ये प्रेफरेंस फिलअप हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और चैनल पर नए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना तो एकदम नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।